आपके अपने YouTube चैनल मैथ बीएल धैया ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। मैं बीएल धैया आप लोगों का मैथ में अनुपात समानुपात टॉपिक लेके आ रहा हूँ, और इसमें आप लोगों ने चार टॉपिक पढ़ लिए हैं दोस्त, चार क्लास पढ़ ली हैं आप लोगों ने, और चार क्लास के वीडियो के लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए। और ध्यान रहे, नया विद्यार्थी जो भी इस क्लास को देखेगा उससे पहले आप लोगों को पहली वो चार क्लासें देखनी अनिवार्य समझो, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आप लोग समझने का कोशिश करें उसमें, और इस पाँचवें की क्लास को बाद में देखें। तो परंतु अब मैं आप लोगों की इस पाँचवीं क्लास में अनुपात समानुपात की टाइप नंबर 10 लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप लोगों ने कल सीखा था उससे आगे अपन बढ़ रहे हैं। देखें दोस्तों, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है, टाइप नंबर 10 आप लोगों के पास में चल गई है, और इसमें एक चीज 624 रुपए धन राशि को ए बी एवं सी में क्रमशः 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया, तो बी को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग एक चीज समझे दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर दोबारा से बात कर रहा हूं कि यहां जब भी आप लोगों को पूरे मैथ की बात करूंगा, मैं किसी भी एक क्वेश्चन की बात नहीं करता हूं कभी भी, तो आप लोगों को खूब अच्छे से पता होगा कि यहां जब भी अनुपात बटे में मिले, भाग में मिले, अनुपात में मिले, तो आप लोग इसे सबसे पहले सरल अनुपात में बदलोगे, सिंपल रेशियो में बदलना होगा। सिंपल रेशियो का मतलब होगा कि उसमें ये बटे वाली संख्या आप लोगों को, यानी कि भाग वाली संख्या, अपोन वाली संख्या आपको गायब करनी होगी, और ये आप लोगों को खूब अच्छे से पता है कि जब आप इसको गायब करेंगे तो हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो ये एलसीएम लेने के पश्चात हम इसे सरल रेशियो में बदलेंगे, और जब सरल रेशियो अपने पास में आ जाएगा तो उसके पास हम राशि को डिवाइड कर देते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा नॉर्मल सा, कि ये जो 624 रुपए अमाउंट है ये ए बी सी में डिवाइड करना है, और इस ए बी सी का डिवाइड का जो रेशियो है वो 1/2 रेशियो 1/3 अपॉन वन सॉरी रेशियो 1/4 के अनुपात में करना है, और इसमें आप लोगों से वैल्यू जो फाइंड करनी है वो बी की करनी है। तो आप लोग ध्यान दें, सबसे पहले सॉल्यूशन, ये ए, ये बी और ये सी, बताइए ए को कितना मिल रहा है 1/2, बताओ बी को कितना मिल रहा है 1/3, सी को कितना मिल रहा है 1/4। सबसे पहले हम इसे सरल अनुपात में बदलेंगे, और सरल अनुपात में बदलने का मतलब होता है दोस्तों एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले रहे हैं तो बोलो आपके पास एलसीएम कितना आ गया 12। अब ये एलसीएम के बारे में भी मैं आप लोगों को एक बार बात कर लेता हूँ दोस्तों, छोटी सी इस पर यहाँ से समझ लीजिए ये एलसीएम कैसे लिया जाता है। ध्यान दें दोस्तों, जैसे आप लोगों के पास में 5, 10, 15, 6, 8 और आप लोगों के पास में मान के चलो 15, इस तरीके से 8, 12, 24, 6, 9, 24 इस तरीके से अगर यदि आप लोगों के पास में संख्याएं लिखी हुई मिल जाएं और फिर आप लोगों को एलसीएम निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। देखो एलसीएम टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें हो सकता है बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, बाकी कोई भी टॉपिक पढ़ोगे आप लोगों के पास में इतनी बड़ी संख्या नहीं आएंगी, केवल इतने तक ही सीमित रहेंगी या 20 से नीचे नीचे की ही रहेंगी दोस्तों। तो देखिए अब आप लोग यहां से एलसीएम निकालना है, आप सबसे पहले एक काम किया करो, जो भी संख्या दे रखी है उसमें से सबसे बड़ी संख्या उठाओ। तो आप लोगों के पास में सबसे बड़ी संख्या क्या है 15, इनमें 5, 10 और 15 में सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर कितना है 15। तो आप लोग मुझे एक चीज बताएं दोस्तों, जब आपके पास में इस 5 का भाग लगा के देखो जा रहा है, भाग जा रहा है गुरुजी, 10 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, जैसे ही भाग नहीं जाए तो आप लोग इस संख्या को काट दो, लेकिन 15 का ही मल्टीपल चुनो, 15 का मल्टीपल, यानी कि आप लोगों के पास में 15 × 30 / यानी कि आप लोगों के पास में 15 का पड़ा पड़ा 15 × 30, जैसे आपने 30 पढ़ा तो देखो 5 × 6 = 30, 10 × 3 = 30, 15 × 2 = 30, जब तीनों का ही भाग चला गया तो यही तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए यहाँ से जैसे आप लोगों के पास में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 15 है, तो आपने 15 को एडजस्ट कर दिया, 6 का भाग जा रहा है गुरुजी नहीं जा रहा, तो आप लोग यहाँ से 15 के बारे में ही कैंसिल हो गया, तो 15 से फिर दोबारा से करते हैं तो 15 × 2 = 30 लगाइए। अब एक मिनट,
यहाँ से 30 में भाग लगा के देखते हैं दोस्तों, अगर 30 में भाग लगाएंगे तो आप लोगों के पास में 6 का तो जा रहा है, 8 का फिर दोबारा से भाग नहीं जा रहा, 15 तीय 45, 15 चौके 60, इस तरीके से चलते हुए हम कितना ले लेते हैं दोस्तों, 120। 15 का ही मल्टीपल चुना है दोस्तों आप लोगों ने, तो ध्यान रहे अब 6 का भी भाग जा रहा है, 8 का भी भाग जा रहा है और 15 का भी भाग जा रहा है। यहाँ से देखिए आपके पास संख्या सबसे बड़ी क्या है, 24। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 8 का भाग जा रहा है, गुरुजी जा रहा है, 12 का भाग जा रहा है, जा रहा है, 24 का भाग लगाने की आवश्यकता नहीं, यानी कि बड़ी संख्या का भाग लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका तो हम पहाड़ा ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो उसके आगे देखिए, यहां से बात करते हैं, तो यहां से देखिए आप लोगों के पास में सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 24। 6 का भाग लगाते हैं जा रहा है, 9 का भाग लगाते हैं नहीं जाता, यानी कि 6 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग ये नहीं लेंगे इससे बड़ी संख्या। 24 दूनी 48, 24 टू जा 48। अब यहाँ से देखिए 6 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि 6 का भाग जा रहा है, 9 का भाग नहीं जा रहा, हम ये नहीं लेंगे। 24 थी ये बेहतर, जैसे हमारा तीसरा जो मल्टीपल आया 24 का, वो तीसरा मल्टीपल आप लोगों के पास में 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, और आप लोगों से 24 से पहले से ही डिवाइड है, तो आप लोगों का एलसीएम क्या आ गया, 24 यहाँ 120, ये 30, ये 72, इस तरीके से आप लोगों के पास में एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ एलसीएम ऐसे ही निकालेंगे। अब यहाँ तो ऐसी संख्या कौन सी थी, 4। 4 में 2 का तो जा रहा था, 3 का नहीं जा रहा, फिर 8 ले लिया, 8 में नहीं जा रहा, 3 का, 12 ले लिया, 12 में अब देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 × 6 = 12, 6 बार गया। यहां से देखिए 3 का भाग जा रहा है, 4 बार गया, जैसे 4 बार भाग गया तो इस संख्या को गुणा भी करते हैं दोस्तों ऊपर वाली संख्या से, 3 × 12, 4, 4 को 1 से गुणा किया, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3 ऊपर गुणा किया 3। आप लोगों के पास में अब इस एलसीएम की कहानी खत्म, एलसीएम का कोई काम नहीं होता है, केवल इसका काम होता है इनको सरल अनुपात में बदलना। अब आप लोगों के पास में टाइप नंबर 9 की तरह क्वेश्चन बदल गया है कि ए को मिलने वाली राशि 6 रुपए है, बी को मिलने वाली राशि 4 रुपए है और सी को मिलने वाली राशि 3 रुपए है। तो अब अगर यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे बताओ टोटल कितने रुपए बांटे गए, तो आप लोग कहेंगे 6 × 4 = 10 और 3 = 13, 13 रुपए बांटे गए। यहां टोटल कितने रुपए आप लोगों को बांटने हैं, गुरुजी 624 रुपए बांटने हैं। आप मुझे बताइए किसका भाग आप लोगों को बताना है, तो आप लोग कहेंगे गुरुजी यहां पर बी का भाग बताना है, तो बी का भाग है कितना, आप लोग कहेंगे 4, तो आप लोग 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 52, 13 × 8 = 104। आप लोगों के पास में यहां से 48 बार कट गया। अब आप लोग आंसर निकाल दो, ध्यान दो, 8 × 32 हासिल 3, 4 × 16 और 3 = 19, ये आप लोगों के पास में राशि कितनी आ गई, 192, और यही तुम्हारा आंसर है 192। लेकिन देखें मैं यहीं से संख्या चेंज कर रहा हूं, और इसी क्वेश्चन में आप लोग इसी क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करना, मैं इसी क्वेश्चन में संख्या चेंज कर रहा हूं, एक मिनट देखें, यहां से ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन में देखिए 5400 रुपये, अब डिवाइड करने आपको 5400 रुपये किस किस में करने हैं, ए बी और सी में करने हैं, और यहाँ आप लोगों से सी का भाग पूछ लिया गया है। तो अब देखिए यहाँ से 5400 रुपये धन राशि को ए बी एवं सी में क्रमशः 1/3, यानी कि ए को तो 1/3 भाग मिल रहा है, बी को आपके पास 1/4 भाग मिल रहा है, और सी के पास आप लोगों के पास में 1/6 भाग मिल रहा है। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम, लो एलसीएम, कितना आ गया 12, लगाओ 3 × 12, 4 बार भाग गया, 4 × 12, 3 बार भाग गया, 6 × 12, 2 बार भाग गया, एलसीएम की कहानी खत्म। आपके पास रेशियो क्या मिल गया, 4:3:2। अब आप मुझे बताइए आप लोगों के पास में यहाँ टोटल राशि कितनी बांटी जाएगी, 9 रुपये, यहाँ समझ में आ गया होगा, 4 × 3 = 7 और 2 = 9, 9 के बराबर में आप लोगों के पास में कितनी राशि बांटी जानी है, 5400। आप लोगों को भाग किसका बताना है, गुरुजी सी का, तो आप लोग सी का कितना भाग दे रहे हो, 2 रुपये, आप 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 6 = 54 00, यहाँ से 6 × 12, बोलिए आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया आप लोगों को, 1200। लेकिन यहाँ से यदि मैं क्वेश्चन नंबर ये 2 नोट कर दूं, और 2 नोट में क्या कर दूं वो एक बार समझने का प्रयास करें दोस्तों, यदि मैं आप लोगों के पास में यहीं से क्वेश्चन ऐड कर दूं कि आप लोगों के पास में यहाँ एक को
सी से या बी से, ऐसे लगा लो, बी से कितनी राशि अधिक मिलेगी, ये अगर यदि आपके पास क्वेश्चन बन गया तो आप लोग कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। आप लोग देखें दोस्तों, यहां से मैं इसे यहां से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर दो को यहां से देखें, आप मुझे बताइए, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहां आप लोगों के पास में जब भी कभी भी अधिक कम छोटा या फिर बड़ा शब्द मिल जाए तो इन सब का मतलब एक ही होता है, क्या कि किन्हीं भी दो राशियों के बीच क्या बताना, अंतर बताना, यानी कि डिफरेंस बताना होता है। अगर यदि ये वर्ड में आप लोगों को मिल जाएंगे तो आप लोग देखें दोस्तों, ये अगर यदि बात करेंगे तो देखो दो नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले रेशियो 4:3:2, यानी कि 9 के बराबर आपने क्या डिसाइड कर रखा है, 5400। अब मुझे बताइए अंतर किस किस का चाहिए, ए और बी का अंतर चाहिए, बताओ ए और बी में अंतर कितने का है। तो आप लोग कह रहे हो गुरुजी इसे 4 रुपए मिलेंगे, इसे 3 रुपए मिलेंगे, तो बोलो कितने रुपए का अंतर है, 1 रुपए का, तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9×6=5400। बोलिए कितना आपको आंसर मिल गया, 600। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास में 600 आ रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास में कितना आ रहा है, 1200। मैं क्वेश्चन नंबर इसी टाइप में 3 लेके आ रहा हूं जिसमें आप लोगों के पास में यहां पर इस जगह पर जैसे एक है, इस जगह पर एक है, इस जगह पर एक है, हो सकता है इसमें संख्याएं कुछ अलग अलग भी आ जाएं, तो मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पास में लेके आ रहा हूं। देखें यहां से, अब आप लोगों के पास में क्वेश्चन आपका बन गया है, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं ये, पर बाकी एक बार पढ़ लीजिए, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 3 बन गया है दोस्तों। इस 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 1260 रुपए धनराशि को ABC में क्रम से 1/2, 2/2, 3/5, 5/6 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सी को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन, सी को ए से कितनी राशि कम मिलेगी दोस्तों, अधिक मिलेगी कम मिलेगी, ये चीजें आप लोगों के पास में आएंगी। जैसे अब इसमें अधिक पूछ रहा है तो यहां से देखिए, सबसे पहले ए बी और ये सी, ए बी सी राशि मिल गई अपने को, इनका रेशियो बताओ, तो इनका रेशियो देखेंगे सबसे पहले 1/2, इसका रेशियो देखेंगे 2/3 और इसका रेशियो देखेंगे 5/6। मैंने बताया था यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, अब एक एक का कोई लफड़ा नहीं है, यहां मैंने सब संख्याएं अदल बदल कर दी है। देखिए अगर यदि यहां से बात की जाए तो यहां एलसीएम 6 आ गया, 2×3=6, 3×6=2×4, यानी कि 3 का भाग 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया 4, 6 का भाग 1 बार जा रहा है, 1 बार ही गुणा कर दिया 5। देखो 2×3=1 3×1=3, 3×6=2×4 और 6×6=5×5। देखो एलजीएम की कहानी खत्म। अब मुझे बताओ यहां टोटल 3 और 4 7, 7 और 5 12, कितने रुपए बांटोगे, 12 रुपए बांटोगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से लिख रहा हूं, किसकी राशि पूछी आपसे, सी की राशि पूछी है, सी की राशि निकालने के लिए 12 के बराबर तो 1260, और मुझे ए की राशि बतानी, सी की राशि बतानी है, तो सी की राशि है कितनी, 5, आप 5 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान रहे एक सबसे बड़ी गलती करोगे दोस्तों, मैं यहां इसीलिए ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, गलती नहीं होनी चाहिए, 12×1=12, 12×5=60, आप लोग इस तरीके से काटते हो जो गलत होता है, 12×1=12, यहां देखो भाग नहीं जा रहा तो टूटे भाग किस पर, और आप लोगों के पास में मल्टीप्लाई करोगे तो राशि आ गई 525। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें एक बार, सेम ऐसा ही रहेगा, देखो आप लोगों के पास में 12 की वैल्यू तो आप लोगों को दी हुई है 1260, और अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, सी और ए में राशि कितनी अधिक, आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बता के आ रहा हूं, कम अधिक छोटा बड़ा ये जो भी होगा, ये आप लोगों के पास में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, तो आप लोग बताइए यहां पर सी और ए में डिफरेंस कितने का, ये सी है और ये ए है, डिफरेंस कितने का है, 2 का है, क्योंकि 5 रुपए मिल रहे हैं, 3 रुपए मिल रहे हैं, बताओ कितने अधिक मिल रहे हैं, 2 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो आपने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया,
बारह एकम बारह, बारह पंजे साठ, और आप लोगों के पास में आ गया पाँच दूनी दस और दो एकम दो, और आंसर आ गया 210। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का ये 210 आ रहा है। अब मैं आप लोगों के पास मेरी तरफ से ये टाइप आप तुम्हारी कंप्लीट है, बाकी अगर यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख के बताना कि मैं आप ये और करवा दूंगा, लेकिन ध्यान रहे मैं टाइप नंबर 11 लेके आ रहा हूँ तो उस पर ध्यान दें। देखें यहाँ से टाइप नंबर 11 आ गई है। इस 11 नंबर टाइप में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के पास में आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। आय और व्यय से संबंधित दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं उन्हें दो प्रकार के टाइपों में समझाने की कोशिश करूँगा और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, राम की आय एवं व्यय में अनुपात क्रमशः 11:7 है तथा इसकी बचत 2800 रुपये है, तो राम की आय ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, एक तो आपसे आय पूछ ली है, दूसरा क्वेश्चन राम का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि खर्च पूछे तो खर्च बता देना, आय पूछे तो आय बता देना। इंग्लिश वाले विद्यार्थी, इंग्लिश मीडियम में, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, यहां से ये आप लोगों के पास में सेविंग है। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ध्यान दें, ये आप लोगों के पास में यदि आय की बात की जाए तो कितने रुपए, 11 रुपए, या 11 रेशियो में बात कर रहा हूं मैं, रुपए की बात बाद में कर लूंगा। व्यय की बात की जाए तो बोलो अनुपात में कितने हैं, 7, तो आप लोगों का आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 11:7, यानी कि 11:7। आप मुझे बताएं, यहां किसी व्यक्ति ने 11 रुपए कमाए हो, 7 रुपए की बचत कर ली, खर्च कर दिए हो, 7 रुपए खर्च कर दिए हो, तो बताओ बचत कितने रुपए की होगी। तो आपको सीधा सीधा सा सबको नॉलेज है ये इस चीज की कि भाई 11 रुपए कमाए, 7 रुपए खर्च हो गए, तो 4 रुपए बच गए। तो आप लोगों के पास में यहां पर 4 रुपए बच गए, ये 4 समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से। तो अब देखिए, ये यहां तो 4 रुपए की बचत कर रहा है, परंतु क्वेश्चन में कितने रुपए की बचत कर रहा है ये देखिए। आप लोग बोलिए कितने रुपए की बचत हो रही है, गुरुजी 2800 रुपए की। तो आप देखिए क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि 4 की वैल्यू 2800 है, तो आप लोग लिख दीजिए 4 की वैल्यू 2800, और मुझे क्या चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए, आय। आय कितनी है आपके पास, 11, 11 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28 00, 11 7 77, और आप लोगों के पास में राशि आ गई 7700। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आय क्या है 11, व्यय क्या है 7, रेशियो में तो 11:7 आ गया। यदि मैं बचत की बात करूं तो यहां आप लोगों ने 2800 रुपए की बचत कर ली है, लेकिन यहां 11 कमाए 7 खर्च कर दिए, बोलिए क्या लिख दूं, क्या 4 रुपए कमा ली। हाँ जी, 4 रुपए की बचत हो गई है। तो आप लोग यहां 4 की वैल्यू तो 2800 है, आपसे इस वाले क्वेश्चन में आय पूछी थी इसलिए 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्या पूछा है आपसे, व्यय पूछा है, तो व्यय कितना है आप लोगों के पास में, 7, तो आपने 7 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 4 7 28 00, 7 7 49, और 4900 रुपये ही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास में 4900 आ गया और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास में 7700 आ गया। एक चीज़ समझने की, या 11 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे आय पूछी गई थी इसलिए मैंने 11 से गुणा कर दिया है। मैं यहीं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, आप लोगों से उम्मीद करूंगा यहीं से तो कि उसमें आप लोग आंसर दे पाएंगे। लिखें, देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया 11 नंबर टाइप का। श्याम की आय एवं व्यय में अनुपात 15:8 है तथा इसकी बचत 3500 रुपये है, तो श्याम की आय ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है श्याम का व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात बताओ यहाँ आय कितनी है, 15 रुपये, 15 रेशियो में है, हम इसे रुपए मान लेते हैं। यहाँ से देखिए बचत व्यय कितना है, 8 है, तो आप मुझे बताओ किसी व्यक्ति ने 15 रुपये कमाए हों,
₹8 खर्च कर दिए हों तो बचत कितने रुपए की कर ली? आप लोग कहोगे गुरुजी ₹7 की बचत हो गई। यहाँ तो ₹7 की बचत हो रही, परंतु आपके पास क्वेश्चन में कितने रुपए की बचत हो रही है? ₹3500 की बचत हो रही है। तो आप मुझे बताएं, 7 इकाई यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई मिल गई है, यानी कि बचत दी हुई मिल गई है, तो 7 के बराबर में तो हमने 3500 रख दिया। हमें क्या चाहिए? आय चाहिए। आय निकालने के लिए बोलो आय है कितनी? ₹15। 15 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 7 5 35 00 15 5 75 00 आप लोगों के पास में आंसर आ गया 7500। इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने निकाल दिया है 7500। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। आय 15, वे आपके पास 8, इनकम 15 है, एक्सपेंडिचर 8 है, सेविंग की बात करें तो यहाँ पर सेविंग 7 आ गया है। आप लोगों को यहाँ पर सेविंग कितने रुपए दी हुई है? 3500। तो आप लोग यहाँ से 3500 रुपये ही रख देते हो। तो देखिए 7 यूनिट की वैल्यू आपको 3500 दी हुई है, तो आप लोग 7 = 3500 मल्टीप्लाई, क्या पूछा है आप लोगों से? वह पूछा है, वह बताने के लिए अपने कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से। ध्यान रहे, यहाँ पर आप लोगों ने 15 रुपये कमाए, 8 रुपये खर्च कर दिए, 7 रुपये बचा लिए। 7 इकाई की वैल्यू 35 है, हमें व्यय चाहिए, खर्च चाहिए। बोलो खर्च कितने रुपए है? 8 रुपए। 8 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 7 5 35 00 और 8 5 40, बताइए कितने रुपए आप लोगों के पास में बन गए हैं? 4000 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने क्या निकाला है? 4000। और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 7500। मैं अब आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आपको ये बेटर समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इसी में ही, वो क्वेश्चन अभी आप लोगों के पास में लिखें, देखें यहां से, ये देखें 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के पास में। यहां से समझने वाली बात क्या है? पहले जैसा ही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि आप बिना क्वेश्चन पढ़े सीधा जवाब देने की कोशिश करते हो, और जब सीधा जवाब दोगे तो दोस्तों आप लोगों को भी पता है, बिना पढ़े कोई भी जवाब दोगे तो हो सकता है वो गलत ही हो सकता है सही हो। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ा करें। और इसके साथ मैं आप लोगों से फिर दोबारा से एक बार समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देखें, यहाँ आप लोगों के पास में आय है 10, व्यय है, एक्सपेंडिचर है आप लोगों के पास में 7। आप लोग मुझे बताइए, आपके पास जो बचत आ रही है यहां से, ये बचत कितनी आ गई? 3। लेकिन कैसी है ये समझें सबसे पहले। मासिक, तो यहां लिख रहा हूं मैं मासिक आय, मासिक व्यय, तो मासिक बचत निकल के आ गई आपके पास। 10 रुपए महीने कमा रहा है, 7 रुपए महीना खर्च कर देता है, तो 3 रुपए महीना बचा रहा है। मंथली इनकम की बात हो रही है, मंथली एक्सपेंडिचर है, मंथली ही सेविंग है। तो आप मुझे बताइए यहां से बचत आपके पास कितनी दी हुई है? 3300 रुपए। लेकिन ये भी कैसी है? मासिक है, मंथली है। तो क्या मैं लिख दूं क्या? 3 इकाई की वैल्यू तो मुझे 3300 दी हुई है। मुझे तो क्या पूछा गया है? आय पूछी गई है। तो आय निकालने के लिए आप लोग 10 से गुणा कर देते हो। 3 * 3 = 3000 और आप लोगों के पास में मल्टीप्लाई करने के पश्चात आप लोग जवाब देते हो 11000 रुपये, जो गलत होता है, पहला ही ऑप्शन मिलेगा। गुरुजी अभी तो आप बता रहे थे आय चाहिए तो आय से गुणा कर दो, तो मैं वह भी बता रहा हूं, मैं अभी भी आप लोगों को यही बता रहा हूं कि अगर आपको आय चाहिए तो आय से ही गुणा कर दो, तो आय से तो गुणा हो गई। लेकिन ये आय है कैसी? मासिक। ये तो एक महीने की आय निकल के आई है, जबकि आपसे क्या पूछी है? वार्षिक आय। वार्षिक आय का मतलब होता है एक साल की, एक वर्ष की, यानी कि ईयरली इनकम बताना है आप लोगों को। तो ईयरली इनकम बताने के लिए बताइए मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 12 से। ये तो एक महीने की है, मुझे वार्षिक चाहिए, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 12 से। तो देखिए 11 को 12 से गुणा करते हैं, 132 और 000, यही आप लोगों का आंसर आ गया। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन मत किया करो, इनमें आप लोग समय की बचत किया करो। कैसे गुरुजी? तो देखिए यहाँ से आप लोगों को इतना तो पता लग गया कि 3 इकाई की वैल्यू हमारे पास में 3300 है और हमें आय बतानी है, तो आय हमारे पास 10 है। हाँ जी,
अब आप लोगों को ये पूछा गया कि वार्षिक बताओ, तो वार्ष के लिए ये तो एक महीने की आई थी, मुझे कितने महीने की चाहिए? 12 महीने की। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 12 से मल्टीप्लाई कर दो गुरुजी। तो देखिए 3 चौके 12, 4 बार कट गया, देखो 4 से ही गुणा कर रहा हूँ, 4 तीय 12, 4 तीय 12 और 1 13, 1 2 और 3, ये 3 0 लग गई। देखो आपको काटने फाटने में, गुणा करने में बहुत कम समय लगा। तो आप लोग जवाब ये देंगे, आप लोगों का आंसर क्या आ गया? 1,32,000। अब देखें दोस्तों, ये आपकी टाइप नंबर 11 कंप्लीट हो चुकी है, मैं टाइप नंबर 12 लेके आ रहा हूँ, लेकिन टाइप नंबर 12 भी यहाँ आए और वैसे ही होगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, और दिल्ली पुलिस में आने की संभावना भी है। तो देखें देखें दोस्तों, यहाँ से देखें, आप लोगों के पास में टाइप नंबर 12 चल गई है, और 12 नंबर टाइप में देखें, सबसे पहले जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर उसके पश्चात मैं आप लोगों को 2-3 मेथड बता दूंगा, जो भी आप लोगों को मेथड अच्छा लगे वो आप लोग मेथड अपना लेना। ध्यान रहे, सबसे पहला मेथड बिल्कुल जीरो से और बेसिक से समझा रहा हूँ, परंतु एक बार इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, ये ए और बी है, इसका जो इनकम है उसका रेशियो, ए और बी की इनकम का रेशियो 5:6 है, और ये एक्सपेंडिचर में इनका रेशियो ये है 3:4, जबकि इनकी जो सेविंग है वो सेविंग इस प्रकार से कि ए तो 1,800 रुपये बचाता है और बी आप लोगों के पास में 1,600 रुपये बचाता है। तो ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन था, अब समझिए इसे। बहुत सारे लोगों के तो दिमाग में बहुत अच्छी चीज़ चल गई होगी, गुरु जी हाँ इसने 5 कमाए, इसने 6 कमाए, ऐसे लिखते हैं दोस्तों, इसने 3 कमाए, इसने 4 कमाए, बचत निकाल दी। ये तो आप लोगों के पास में आय थी, ये आप लोगों के पास में खर्च है, और ये आप लोगों के पास में बचत निकाल देते हैं। बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, नहीं निकाल रहा हूं दोस्तों, मैं आपकी कमजोरी बता रहा हूं। यहां भी 2 रुपए बचा लिए, यहां भी 2 रुपए बचा लिए, हाँ जी 2 बच गए। तो लिख देते हैं 2 इकाई की वैल्यू 1800, 1 ही आय चाहिए। ये 1800 क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी 1800 थी और इसकी 1600 थी, इसलिए 2 के बराबर में 1800, 1 ही आय चाहिए, तो 5 से गुणा कर दिया, 2 9 18, 9 5 45 हो गुरुजी, 1 ही आय 4500, दूसरा निकाल के देगा गुरुजी। बी की आय भी पूछ लेता तो बी के लिए क्या करते, 2 के बराबर में 1600 गुणा में 6 चाहिए, 6 से 2 8 16 00 गुरुजी, 8 6 48 100। बहुत अच्छी बात है यार, कमाल की बात हो गई है। देखिए अब आपके अकॉर्डिंग का आंसर की बात कर रहा हूं मैं, ये 4500, ये 4800, क्या निकाली आपने आय? काट के देखना एक बार इनको कि ये ए है और ये बी है, ये 4500 कमा रहा है, ये 4800 कमा रहा है, 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दी, आय है ये, 3 से काट रहा हूं, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 6 18, अब भी कटती है, ये संख्या नहीं कटती, तो आपका अनुपात क्या आ गया? 15:16, जबकि मैंने क्या दिया था? 5:6, हो गया गलत। तो आप लोग ये तरीका कभी भी नहीं अपनाओगे, ध्यान रहे ये आप लोग नहीं दिमाग लगाओगे, अपना नया दिमाग नहीं लगाना है। अब मैं आपको बेसिक बता देता हूं, पहले बेसिक कैसे होता है वो देखें, समझे यहां से, आप लोग पहले बोर्ड पर आ जाएं। एक नंबर तरीका, ये ए है और ये बी है, यहां मैं आप लोगों से आय की बात कर रहा हूं, इसकी 5:6 है, मैं आप लोगों के पास में व्यय की बात कर रहा हूं, 3:4 है, मैं बचत की बात कर रहा हूं, ये 1,800 रुपये बचा रहा है और ये आप लोगों के पास में 1,600 रुपये बचा रहा है। अब ध्यान देना, मैं बिल्कुल आप लोगों के अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूं, मान के चलते इसने 5x कमाए तो इसने कितने रुपए कमा लिए? 6x। खर्च करने की पारी आई तो ये 3y खर्च करेगा और ये कितने y खर्च कर देगा? 4y खर्च कर देगा। अब आपके अकॉर्डिंग, आपकी भाषा में बात कर रहा हूं, एक की बात कर रहा हूं मैं, एक की कितने रुपए कमा लिए? 5x। कितने रुपए खर्च कर दिए? 3y। आप बताएं, यदि मैं आय में से खर्च घटा देता हूं, लेस कर देता हूं, इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस हो जाता है तो हमारे पास सेविंग बच जाती है, या आय में से खर्च घटाने पर हमारे पास बचत बच जाती है। और आप लोगों के पास में देखिए, 5x कमाए, 3y खर्च कर दिए, 1,800 रुपए बचा लिए।
ये तो एक ही बात थी जिसे आप लोग दे देते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दे दिया जी। अब ध्यान दें, अब मैं बी की बात कर रहा हूं, कितने एक्स कमाएगा 6x, कितने खर्च कर देगा 4y, कितने की बचत कर लेगा 1600। लिख दूं क्या? इक्वेशन नंबर दो, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो बन गई क्या रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन बन गई। और लीनियर इक्वेशन अगर यदि बन गई तो आप लोगों को यह तो पता हो ही गया कि अपना बचपन वाला तरीका लगाना पड़ेगा। ए को बराबर करो, बी को बराबर करो, किसी को, यानी कि एक्स को बराबर करो या वाई को बराबर करो। हमें एक्स को बराबर नहीं करना है क्योंकि हमें आय चाहिए, तो एक्स की वैल्यू तो अपने को निकालनी है। किसको बराबर करना है? वाई को बराबर करना है। कर दो, ये लो जी। यदि मैं इस समीकरण को, इस वाई को बराबर करूंगा तो इस चार से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? चार से। तो देखिए यहां से, यहां से आपने चार से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसे अगर यदि मल्टीप्लाई करना चाहूंगा तो इसे कितने से करना होगा? तीन से, क्योंकि यहां ये चार था तो चार से मल्टीप्लाई हो गया, ये तीन है तो यहां तीन से मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे करो, बोलो, पांच चौके 20x माइनस में 12y बराबर में 18 चौके 7200। समीकरण नंबर तीन, इक्वेशन थर्ड, 6 × 18x माइनस में 4 × 12y बराबर में 16 × 48। इक्वेशन फोर्थ, समीकरण चार, ध्यान दें दोस्तों, बचपन में खूब पढ़ा था कि इक्वेशन में से जब दूसरी इक्वेशन घटाई जाती है तो घटाने वाली इक्वेशन हमेशा निशान बदल देगी। तो आप बताइए, ये निशान प्लस का है तो किस में बदल जाएगा? माइनस में। ये किस में बदल जाएगा? प्लस में। ये किस में बदल जाएगा? माइनस में। देखिए, क्या 20x में से 18x घटा दोगे तो कितने x बच गए? गुरुजी 2x बच गए। 12 में से 12 चले गए, 0 बच गया। यहां देखिए, 7200 में से 4800 घटा देते हो तो आपके पास 2400 बच गया, और तुम्हें तो x की वैल्यू चाहिए। तो मैं लिख दूं क्या? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 00, यानी कि x की वैल्यू आप लोगों के पास क्या मिल गई? 1200। x की वैल्यू आई है, ए बी की वैल्यू नहीं आई है अभी। आप लोगों को तो किसकी आय चाहिए? ए की आय चाहिए। ये देखो, ए की आय पूछी गई आप लोगों से, तो ए की आय है कितनी? 5x। तो बोलिए, 5 तो हमारे पास में है और x की वैल्यू हमारे पास 1200 निकल के आ गई, तो आप लोगों के पास बोलो वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 6000। और यही तुम्हारा आंसर। तरीका नंबर फर्स्ट। तरीका नंबर दो, सोच समझ के करने का प्रयास करना, ये इससे आसान पड़ेगा। ये a है, ये b है, यहां से आय की बात करते हैं, इसने 5:6 में है, व्यय की बात करते हैं 3:4 में है, बचत की बात करते हैं 1800 रुपये और 1600 रुपये है, इस तरीके से आपके पास में थी। आप मुझे एक चीज बताएं यार दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आय क्या है, तो उसने कहा कि 5x और इसने कह दिया 6x। समझ में आ गया? इसे जब लीनियर इक्वेशन बनाते हो तो लीनियर इक्वेशन में एक चीज जरूर ध्यान रखें, रैखिक समीकरण बनाते हो तो उसमें एक ही चर को रखो, एक ही वेरिएबल रखो, डबल मत बनाओ। ये एक्स वाई ये वेरिएबल होते हैं दोस्तों, ये एक ही वेरिएबल रखो, एक्स ही रखो या वाई ही रखो, एक ही रखो, एक्स वाई डबल मत बनाओ। डबल बनाओगे तो यहां बराबर करना पड़ेगा, डबल नहीं बनाओगे तो बराबर करने का झंझट खत्म। तो आप लोग यहां से देखिए क्या बता रहा हूं। अब मैं देखो, मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी व्यक्ति ने, मैं यहां से पूछ रहा हूं आप लोगों से, किसी व्यक्ति ने 100 रुपए कमा दिए, आय हो गई उसकी 100, और मैं कह दूं कि उसने 30 रुपए की बचत कर ली, तो मुझे बताओ खर्च कितने रुपए करेगा? तो आप लोग कहोगे, गुरुजी 100 रुपए कमाए थे, 30 रुपए बचत है, बचत अगर यदि मैं इसे 100 में से ये 30 रुपए घटा दूं तो मुझे खर्च मिल जाएगा, कितने रुपए मिल जाएगा? 70 रुपए। तो देखो यही चीज मैं यहां से कर रहा हूं, सोचना समझना। देखो, ए ने 5x कमाए जी, अगर इस आय में से मैं बचत घटा दूं, 1800 रुपए घटा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों? खर्च मिल जाएगा, और खर्च कितना है? 3। आप लोगों ने लिख दिया 3। क्या समझ में आया जी? आगे देखिए, मैं बी के बारे में लिख रहा हूं, 6x ये कमा रहा है, 1600 रुपए ये बचत कर रहा है,
यदि कमाई में से, इनकम में से मैं सेविंग लेस कर दूंगा तो मेरे पास एक्सपेंडिचर बच जाएगा। बोलो इसका एक्सपेंडिचर कितना है? 4। वैसे बनाओगे तो ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, आप लोग यहां से वैल्यू निकाल लो। लेकिन मैं तो इन दोनों से आपस में इस तरीके से, क्योंकि ये अनुपात में लिखा हुआ था तो मैं अनुपात में ही लिखूंगा, ये रेशियो में लिखा हुआ था। और आप लोगों को पता है कि रेशियो में जब भी लिखा हुआ मिलेगा तो ये हम रेशियो में ही लिखते हैं, यानी कि बटे में ही लिखते हैं, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहां से अगर यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 5 चौके 20x माइनस के 18 चौके 7200 बराबर में 6 3 18x माइनस में 16 3 4800। ये यहां से देखिए 16 3 4800। अब आप मुझे बताइए, ये यदि इधर आ गया तो कितने x बच गए भाई साहब? 2x। ये परली साइड चला गया तो ये प्लस का हो जाएगा, जैसे ही ये परली साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा। बोलिए क्या बच गया? 2400। बताइए यहां से यदि x की वैल्यू की बात की जाए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बोलो कितनी वैल्यू निकल गई? 1200। क्या देखो यही 1200 था क्या? क्या यही 1200 था क्या गुरुजी? हाँ। तो तुम्हें तो क्या चाहिए? एक ही आय चाहिए। बोलो एक ही आय कितनी है? 5x है। तो 5 तो आपके पास में है और x की वैल्यू आपने निकाल दी, आप लोगों के पास में आंसर क्या आ गया? 6000। ये आप लोगों का आंसर था, यही आप लोगों का आंसर है। यदि b की वैल्यू चाहती तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 6 गुना में 12 1200, 7200 रुपये आंसर हो जाता। लेकिन ध्यान रहे, आप लोगों को एग्जाम विद इन टाइम करना होता है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन विद इन टाइम में होता है, यानी कि लगभग 30 सेकंड का समय आप लोगों को एग्जाम में, 30 से 35 सेकंड का समय मिलता है किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो उसके आधार पर अपन करते हैं। तो देखिए उसके आधार पर आप लोग देखिए, मैं केवल ये बेसिक तरीका मिटा रहा हूं। तो यहां से आप लोगों को अगर यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, बाकी मैं आगे इसमें से मिटा के मैं यही समझा देता हूं। ये देखिए आप लोग, ये तरीका नंबर 3 है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। यहां आप लोगों के पास में ये तो ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, यहां इनकी ये आय दी हुई है 5:6। अब आप लोगों के पास में यहां से व्यय दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, व्यय / खर्च एक ही बात होती है दोस्तों, ये 3:4 दिया हुआ है। ये आप लोगों के पास में बचत लिखी हुई है 1800 रुपए और यहां है 1600 रुपए। आप तो, मैं अब आप लोगों से जो चीज का क्वेश्चन था मैंने केवल क्वेश्चन लिखा है, अभी तक कोई सॉल्यूशन की किसी भी तरीके से किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन करने का झंझट नहीं बताया अभी तक। अब मुझे तो केवल एक चीज बता दीजिए, जैसे जो लोग आप लोग यहां से ये x की वैल्यू निकाल के ला रहे हो, x की वैल्यू का मतलब होता है 1 यूनिट, एक इकाई का मान निकालना, तो मैं यहां से डायरेक्ट ही एक इकाई का मान निकालना आप लोगों को सिखा सकता हूं। देखिए ध्यान देंगे यहां से, यदि आप मुझे बताएं इन दोनों संख्याओं को मैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकते हैं गुरुजी? तो करो, 5 को 4 से गुणा किया 20, ठीक है जी, 6 को 3 से गुणा किया 18, ठीक है जी, क्या आप लोगों को ये गुणा समझ में आ गया? आ गया जी। अब देखो इनको तो आपने गुणा कर दिया, क्या मैं इनको भी गुणा कर लूं क्या आपस में? हाँ जी कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो करो 18 चौके 7200 और 16 3 4800, ये आप लोगों के पास में आ गया है। अब आप मुझे एक चीज बताएं दोस्तों, मैं पूछ रहा हूं आय कितने रुपए कमाए? 20 रुपए। ये सब में लगेगा दोस्तों, यहां पर देखिए कितने रुपए कमाए? 20। कितने खर्च कर दिए? 18। बताओ कितने रुपए की बचत कर ली गुरुजी? 2 रुपए की। अब बताइए यहां से, इसने 7200 रुपए कमाए, 4800 रुपए खर्च कर दिए,
7200 कमाए और 4800 खर्च कर दिए तो गुरुजी 2400 रुपए बच गए। तो देखिए क्या आप लोगों के पास में यही चीज निकल के आ गई क्या, 2x बराबर में 2400, वही यहां पर है 2x बराबर में 2400। आप इतना क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्यों इतने लफड़े में पड़ रहे हो? देखो मैंने यही चीज यहां पर लाके रखी है, जो आपने जिसके साथ में x लगाया है मैंने केवल ये x शब्द हटा दिया, बाकी सेम वही चीज है। देखो यहां से ये भी x था, ये भी x था, यहां पर 20x था, यहां पर 18x था, मैंने वो खत्म कर दिया। यहां पर आप लोगों के पास में 72 है, यहां पर 4800 है, वही 72 है और ये 4800 है। देखो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं अगर यदि आप लोगों से पूछूं कि एक इकाई की वैल्यू बताइए, तो आपके पास एक इकाई की वैल्यू क्या आ गई, 1200। तुम्हें आय किसकी चाहिए, ए की। ए की आय कितनी है, 5। तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई साहब, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो आप लोगों के पास में आय क्या आ गई, 6000। अगर यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि बी की आय बताइए, तो मैं बी की आय के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से। तो 6 के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान दें। आप लोगों ने यहां पहले आय लिखा, फिर खर्च लिखा, फिर बचत लिखी। ये क्वेश्चन में ऐसे ही देता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने 5:6, 3:4, 1800 और 1600 लिख दिए। 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 20। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18। 20 रुपए कमाए, 18 रुपए खर्च कर लिए, तो 2 रुपए बचा लिए। यहां से 7200 रुपए कमाए, 4800 रुपए खर्च किए, 2400 रुपए बचा लिए। तो बोलो 2 इकाई की वैल्यू 2400, 1 इकाई की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से काट देंगे इसे, 1200। अब बताइए मुझे कितने इकाई की वैल्यू चाहिए तुम्हें, 5 इकाई की, क्योंकि एक ही आय बतानी है। तो एक ही आय बताने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाई द वे, अगर आपसे बी की वैल्यू पूछी जाती तो आप बी के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते, 6 से, और आपका आंसर आ जाता 12×6=72, यानी कि 7200। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी अपन दूसरे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूं, आप नेक्स्ट करें। देखिए यहां से ये क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए ए और बी की आय में अनुपात क्रमशः 7:8 है, व्यय में अनुपात 3:4 है, इनकी बचत क्रम से 1300 रुपए एवं 400 रुपए है। तो ए व बी की आय ज्ञात कीजिए। आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी पहले में और इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, कि अपने को एक तो आय का इनकम का रेशियो मिलेगा, दूसरे में अपने को यहां पर व्यय का रेशियो मिलेगा, यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो मिलेगा, और हमें बचत दी हुई मिलेगी। तो यहां से देखिए समझने वाली बात, वैसे ही करेंगे जैसे आपने किया था। मैं समय बचत वाली बात कर रहा हूं दोस्तों, बाकी बेसिक तो आप करते ही हो। देखिए ये 7, ये 8, यहां पर 3, ये 4, यहां पर 1300 और यहां पर 400, ये आप लोगों के पास में लिखा हुआ है। आप मुझे एक चीज बताएं दोस्तों, यदि मैं यहां से इसे गुणा करता हूं तो आपके पास में मिल गया 28। यहां से मैं आप लोगों से गुणा कर रहा हूं, मिल गया 24। यहां से गुणा कर रहा हूं 13×52। यहां से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 13×4=12। आप मुझे बताएं दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली बात कि इस व्यक्ति ने कितने रुपए कमा लिए, 28। कितने रुपए खर्च कर दिए, 24। कितने की बचत हो गई, 4 रुपए की। कमाया फिर खर्च किया, खर्च करने के पश्चात हमने देखा कि इसने 4 रुपए की बचत कर ली। यहां से देखिए कितने कमाए, 5200, कितने खर्च हो गए, 1200, कितने बच गए, 4000। तो आप लोगों के पास में चार, आप लोगों को पता लग गया कि यहां 4 इकाई की वैल्यू 4000 है, तो मैं 1 इकाई की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे कितनी चाहिए, 1000 आ गई। अब मुझे बताइए एक ही आय बतानी पड़े तो एक ही आय के लिए मैं इस 1000 को कितने से गुणा कर दूंगा, 7 से, क्योंकि मुझे 7 के अनुपात में दिया हुआ है। तो एक ही आय आप लोगों के पास में क्या आ गई, 7000। यदि आप लोगों से बी की आय पूछी जाती तो बी की आय के लिए अपने को पता है कि एक इकाई की वैल्यू तो 1000 है और हमें बी की आय चाहिए, तो 8 से गुणा कर देंगे, बोलो कितनी हो गई, 8000। यही आप लोगों का आंसर है, 7000 और 8000। ध्यान दे दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन और लिख के आ रहा हूं जो दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, उसे आप लोग करने का प्रयत्न करना। देखें यहां से ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यहां आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन नंबर चल रहा है 3।
तीन नंबर क्वेश्चन है ये आप लोगों का, और इसे समझने का प्रयत्न करें। देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये आप लोगों के पास में आय दी हुई है, ए ऐसे लिखते हैं दोस्तों, यहाँ से ये आय दी हुई है, ये ए है, ये बी है, इसकी आय 5 है और इसकी आय 3 है। अब मैं यहाँ पर व्यय / खर्च लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर दिया हुआ है 8:5:2, ये सी भी जुड़ गया। अब यहां से देखिए, आप लोगों के पास में बचत भी दी हुई है, किसकी बचत है, यहां से ये बी की बचत है 700 रुपए, तो मैं बी के नीचे ही लिख देता हूं 700 रुपए। अब आप ध्यान दें, सी का क्या और दिया हुआ है, कुल खर्च दिया हुआ है, किसका, सी का। ये वाली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से उठ के चलेगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है आप लोगों को। मैं पहले आप लोगों से यहां इस पर बात कर रहा हूं खर्च की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, खर्च की। तो खर्च में देखिए, यहां सी का खर्च 2000 रुपए है, यहां पर 2 है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर सी, सी का खर्च 2000 रुपए, यहां कितना हो रहा है 2, तो मैं लिख दूं क्या 2 के बराबर में 2000। और यदि मुझे ए की वैल्यू चाहिए, यानी कि ए का खर्च चाहिए, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से। यदि मुझे बी का खर्च चाहिए, तो मैं 2 के बराबर में तो 2000 और बी के खर्च के लिए कितने से गुणा कर दूंगा, 5 से। निकालिए, 2 से काटते हैं, 2 × 1 = 2, 0 की 0, बोलो ए का खर्च कितना आ गया, 8000। तो क्या मैं यहां लिख दूं क्या, ए ने तो 8000 खर्च कर दिए। मैं कहता हूं बी ने कितने खर्च कर दिए, तो 2 × 2 और 0 की 0, बोलो कितने रुपए खर्च कर दिए, 5000 रुपए खर्च कर दिए, इसने 5000 रुपए खर्च कर दिए। इसका दे ही रखा है कि इसने 2000 रुपए खर्च कर रखे, क्या इतना समझ में आ गया। हाँ समझ में आ गया जी। आप मुझे एक चीज बताओ, अब यहां से अगर यदि ये चीज समझ में आ गई, तो मैं यहां से अब आगे की बात करूंगा, तो वो किसकी बात करूंगा मैं, आय की बात करूंगा। आप मुझे बताएं यहां से कि यहां मुझे बी की आय निकालनी पड़े तो निकाल सकता हूं कैसे, 5000 रुपए तो मैंने खर्च कर दिए और 700 रुपए इस बी ने बचा लिए, मुझे बताओ कमाए कितने थे। तो यहां से लिखेंगे बी की आय 5000 + 700, बोलो कितने रुपए बन गए, 5700। 5700 रुपए कमाए थे, किसने, बी ने। तो मैं यहां बी के लिए लिख दूं क्या, बी ने 5700 रुपए कमाए थे। हाँ जी लिख दो। क्या मैं एक का आय निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि 3 इकाई की वैल्यू 5700 है। तो आप लिख दो यहां पर एक ही आय के लिए 3 इकाई की वैल्यू आप लोगों को 5700 रुपए दे रखी है और हमें 5 इकाई की वैल्यू चाहिए। तो देखिए 3 से काटते हैं 19 बार और आप लोगों के पास में आ गया 19×5=95, यानी कि 9500। बोलो इसने कितने रुपए कमा लिए, बोलो 9500। अब इसने 9500 तो कमाए, 8000 खर्च कर दिए, मुझे बताओ बचत कितने की हो गई, तो गुरुजी 1500 की। 9500 में से मैंने 8000 घटाया, तब मेरे पास क्या बच गया, 1500। क्या बचा, ये एक ही बचत, और यही आप लोगों का आंसर है। तो आप लोगों का आंसर आ गया 1500। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ध्यान रहे दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, तो 1 से 2 बार रिपीट करना। बाकी आप लोगों को मैं बार बार बोल ही रहा हूं कि आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल को, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।